नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट इन 2021। हम लोग इस वीडियो में तीन ऐसे फंड के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि पास्ट में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिए हैं और बहुत ही कम्पैक्ट म्यूचुअल फंड है। आप लोग समय आने पे इसमें इन्वेस्टमेंट के सोच सकते हैं दोस्तों। तो पहले तो हम लोग बात करेंगे मेजर कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड। तो मेजर कैटेगरी होता है म्यूचुअल फंड का दोस्तों, पहला है लार्ज कैप फंड, दूसरा मिड कैप फंड, तीसरा है स्मॉल कैप फंड और फिर मल्टी कैप फंड, या इसको फ्लेक्सी कैप भी बोलते हैं दोस्तों। मल्टी कैप का हम लोग फ्लेक्सी कैप से भी जानते हैं दोस्तों। और फिर है इलेसेस फंड, जो कि टैक्स सेवर फंड होता है दोस्तों, और इंटरनेशनल फंड है। एक और कैटेगरी होता है म्यूचुअल फंड का दोस्तों, वो है थीमेटिक या सेक्टोरल फंड, जिसको हम लोग निग्लेक्ट करेंगे दोस्तों, वो बहुत ही हाईली रिस्की होता है। तो म्यूचुअल फंड का ब्रॉडली टू कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है दोस्तों। चाहे तो आप लोग रेगुलर प्लान ले सकते हैं दोस्तों, या आप लोग डायरेक्ट प्लान ले सकते हैं। तो जनरली हम लोग डायरेक्ट प्लान ही रिफर करेंगे, क्योंकि रेगुलर प्लान में आपको एक्सपेंस रेशियो प्लस एजेंट का जो खर्च होता है वो भी लगेगा, और इसमें डायरेक्ट में सिर्फ आपको एक्सपेंस रेशियो लगेगा ही दोस्तों। तो हम लोग डायरेक्ट प्लान ही चूज करना पसंद करेंगे। कभी भी रेगुलर प्लान आप लोग चूज मत कीजिएगा, नहीं तो आपको एजेंट का भी फीस देना पड़ेगा, तो आपको एक्सपेंस रेशियो प्लस एजेंट फीस आप लोग को देना पड़ सकता है। अब हम लोग डायरेक्ट रेशियो में भी दोस्तों बात करेंगे। डायरेक्ट जो फंड हम लोग लेंगे, इसमें भी होता है ग्रोथ फंड और एक होता है डिविडेंड पे आउट। तो हम लोग डिविडेंड पे आउट को चूज नहीं करेंगे दोस्तों। डिविडेंड पे आउट को चूज करने से घाटा है कि अगर आपका डिविडेंड ईयरली 5,000 से ग्रेटर हो जाएगा तो आपको टीडीएस कटेगा दोस्तों। तो हम लोग ऐसा फंड नहीं चूज करना चाहिए। जनरली लोग करते हैं, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करेंगे। हम लोग ग्रोथ फंड पे ही जाएंगे, डिविडेंड को री इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों, और उस पे भी हम लोग कंपाउंडिंग का फायदा उठाएंगे दोस्तों। तो होप आप लोग इतना तक तो समझ चुके होंगे। तीसरे नंबर पे हम जो फंड आज रखे हैं दोस्तों, वो है मिरे एसेट फोकस फंड। ये थोड़ा नया फंड है दोस्तों, नियरली 2 ईयर्स बैक इसको स्टार्ट किया गया था, लेकिन फंड बहुत ही वेल मैनेज्ड है। इसके फंड मैनेजर हैं गौरव मिश्रा जी, जिनका एक्सपीरियंस लगभग 24 ईयर्स का है दोस्तों। एयूएम फंड का है 6,176 करोड़। फ्लेक्सी कैप है दोस्तों, फ्लेक्सी मतलब होता है कि मल्टी कैप है। तीनों ब्रॉड कैटेगरीज लार्ज मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में इन्वेस्ट करता है दोस्तों। इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है दोस्तों, 0.37%, विच इज वेरी गुड। फिर फंड लॉन्च हुआ है दोस्तों 23 अप्रैल 2019 को, इसका फंड का लॉन्चिंग हुआ है दोस्तों। इसका बेंचमार्क है S&P BSE 500, जनरली इसको निफ्टी 500 भी आप लोग बोल सकते हैं दोस्तों। और TRI का मतलब होता है टोटल रिटर्न इंडेक्स। यहाँ पे टोटल रिटर्न इंडेक्स होता है दोस्तों कि डिविडेंड भी इसमें ऐड हो जाता है, जो हमारा एक्चुअल रिटर्न होता है उसमें डिविडेंड भी ऐड करके TRI बनता है दोस्तों। और नंबर ऑफ स्टॉक इसमें बहुत ही कम है दोस्तों, 30 स्टॉक्स है, जो कि बहुत ही कम्पैक्ट फंड है। हम बोलते हैं कि जितना नंबर ऑफ स्टॉक्स कम होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर ज्यादा स्टॉक्स हो जाएगा दोस्तों तो फंड मैनेजर भी उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं अच्छे से, और हमारा रिटर्न पर हैम्पर करता है दोस्तों। इस फंड की अल्फा की बात करें दोस्तों, तो वह है 0.47, और इसने अपने कैटेगरी को कम्प्रिहेंसिवली बीट किया है दोस्तों। अल्फा होता है कि कितने परसेंट इसने ज्यादा रिटर्न दिया है अपने बेंचमार्क से, और बीटा होता है दोस्तों कि आपको रिटर्न दिलाने के लिए इसने कितना रिस्क लिया है। जितना बीटा कम होगा दोस्तों उतना ही अच्छा होगा, तो बीटा भी इसके कैटेगरी से कम है दोस्तों। और आपका शार्प रेशियो का बात किया जाए तो कितना ने रिस्क फ्री रिटर्न कितना अच्छा जनरेट किया है, तो जितना शार्प रेशियो ज्यादा होगा दोस्तों वो अच्छा माना जाता है। तो शार्प रेशियो भी इसका 0.57 है, अपने कैटेगरी से ज्यादा है दोस्तों, तो ये अच्छा माना जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है दोस्तों इसका रिटर्न में कितना वेरिएशन या फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। जितना स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा दोस्तों उतना अच्छा माना जाता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसके कैटेगरी एवरेज से कम ही है दोस्तों, 22.15 है, जो कि 22.7 से कम है दोस्तों। और नेक्स्ट बात करते हैं टर्नओवर का, ये अपने स्टॉक में कितना टर्नओवर हर साल करती है, अपना कितना स्टॉक्स बदलती है दोस्तों। तो स्टॉक्स बदलने का भी रेशियो इसका बहुत ही कम है, 13% के करीब इसका है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा। और टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग की बात करें दोस्तों, तो वो है 54.01%। शुरू के 10 स्टॉक्स में ही 54.01 पैसा लगा हुआ है दोस्तों, और इसने लार्ज कैप स्टॉक्स में लगभग 45.85% का इन्वेस्टमेंट किया है।
और मिड कैप स्टॉक्स ने यहाँ पे देखिएगा आप लोग, तो लार्ज कैप में इसने 45.85% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और मिड कैप में 25.84%। मिड कैप में दोस्तों 25.84% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आप स्मॉल कैप का बात करें तो 9.59% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो इवनली पॉइज्ड है दोस्तों ये फंड। और मेनली सेक्टर्स का बात करें तो हम लोग इसमें फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है लोकेशन दोस्तों 21% का, और आईटी सेक्टर में लगभग 15.48% का, और एनर्जी सेक्टर में 9.55% का, उसी तरह हेल्थ केयर में 5.39% का, और सबसे कम ऑटो या फार्मा में जो कि बहुत साइक्लिक होते हैं दोस्तों, तो फंड वेल मैनेज्ड है। टॉप होल्डिंग की बात करें दोस्तों तो इन्फोसिस में लगभग 9.09% का एलोकेशन है, एचडीएफसी बैंक में 8.76% का, आईसीआईसी बैंक में 8.04% का, और रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगभग 7% का, एक्सिस बैंक में भी 5.39% का इसमें एक्सपोजर है दोस्तों, और मारुति सुजुकी में 3.79% का, और मुथूट फाइनेंस में 2.99% दोस्तों, और जेके सीमेंट में बात करें तो 2.80%। तो सभी अच्छी कंपनीज में इसका टॉप होल्डिंग्स है दोस्तों। रिटर्न की बात करें दोस्तों, जो कि सबका फेवरेट होता है कि रिटर्न कितना जनरेट किया है, मेन पर्पस होता है म्यूचुअल फंड चूज करने का वो होता है कि हमको रिटर्न ज्यादा से ज्यादा चाहिए, ये तो बात सत्य है दोस्तों, लेकिन हम लोग को सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे ही हम लोग को एंट्री नहीं लेना है, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर का भी रिटर्न का पैरामीटर नहीं हो सकता है दोस्तों, लेकिन रिटर्न भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, लेकिन हम लोग को सबसे मेन बात जो ध्यान में रखना है कि फंड कम से कम अपने जो बेंचमार्क है उसको तो कॉम्प्रिहेंसिवली बीट कर दे, तभी हम लोग मानेंगे कि फंड एक्टिवली मैनेज है, नहीं तो पैसिवली मैनेज में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों। एक्टिवली मैनेज का अर्थ ही हुआ कि इसको इंडेक्स को बीट करना है दोस्तों। बुल रन आने से पहले, जो कोरोना बुल रन आया है अभी, उससे पहले की बात किया जाए तो 60-70% जो हमारे म्यूचुअल फंड जितने भी थे दोस्तों, इंडेक्स को ही बीट नहीं कर पाते थे, निफ्टी 50 या निफ्टी 100 बीट ही नहीं कर पाते थे, लेकिन हम लोग ये फंड जो चूज किए हैं इसने अपने बेंचमार्क को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है लगातार 2 साल। पिछले 2 साल का रिटर्न क्या बात करें दोस्तों तो 31.52% है, जो कि बहुत ही शानदार है दोस्तों। 1 ईयर के बात करें तो 62.9% है दोस्तों, लेकिन हम एक बार फिर कहेंगे कि पास्ट रिटर्न आर नॉट प्रेडिक्शन फॉर द फ्यूचर रिटर्न, तो आप लोग फंड को पहले बढ़िया से एनालाइज कीजिए तब इसमें इन्वेस्टमेंट का सोचिएगा दोस्तों। सेकंड नंबर पर जो हमने फंड रखा है दोस्तों वह है एक्सिस कैप ब्लू चिप फंड। इसका एयूएम की बात करें दोस्तों तो लगभग 28,247 करोड़ है, लगभग इसका एयूएम थोड़ा ज्यादा है दोस्तों। जनरली हम लोग 15,000 करोड़ से नीचे वाला ही फंड हम लोग को चूज करना चाहिए, लेकिन ये फंड कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है दोस्तों। कोरोना आने से पहले या उससे भी 2-3 साल पहले से ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रहा है दोस्तों। इसका एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.49% है, जो कि बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इसके फंड मैनेजर की बात करिए तो श्रेयस देवलकर हैं, जो कि एक्सपीरियंस रखते हैं 14 ईयर्स का। ये फंड लॉन्च हुआ है दोस्तों 1 जनवरी 2013 को, और इसका बेंचमार्क है दोस्तों S&P BSE 100 TRI टोटल रिटर्न इंडेक्स। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें दोस्तों तो वो है 36, जो कि बहुत ही अच्छा दोस्तों। ज्यादा स्टॉक्स जो हो जाता है तो फंड मैनेजर उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो गेस वर्क करते हैं दोस्तों, और रिटर्न हमारा हैम्पर्ड होता है। इसकी अल्फा की बात करें दोस्तों तो इसने अपने बेंचमार्क को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है दोस्तों, 3.45% का अल्फा जनरेट किया है, और बीटा रिस्क पैरामीटर की बात करें कितना रिस्क लेता है और हम लोग को रिटर्न देता है जो कि कम होना चाहिए दोस्तों, वो है 0.79%, और इसके कैटेगरी से बहुत ही कम है दोस्तों, जो कि 0.94% है। शार्प रेशियो की बात करें दोस्तों तो वो है 0.68, इसने अपने कैटेगरी को आसानी से बीट किया है दोस्तों, जो कि 0.48 है। शार्प रेशियो हमें बताता है कितना इसने रिस्क फ्री रिटर्न जनरेट किया। शार्प रेशियो जितना ज्यादा होगा दोस्तों उतना अच्छा होगा, जितना 1 के करीब होगा उतना अच्छा मानेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें दोस्तों तो कितना इसने रिटर्न में वेरिएशन शो किया है, तो जितना स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा दोस्तों उतना अच्छा है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 18.37 है, जो कि 21.33 इसके कैटेगरी से कम है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा। लेकिन इसका टर्नओवर थोड़ा हायर साइड पे है दोस्तों, टर्नओवर की बात करें तो लगभग 87% है, जो कि स्लाइटली हायर है, लेकिन हर फंड मैनेजर का फंड मैनेज करने का तरीका दूसरा होता है दोस्तों। कोई अपने स्टॉक्स को लंबे समय तक होल्ड करते हैं, कुछ अपने पोर्टफोलियो को चर्न करते हैं दोस्तों। इस साल मार्केट बहुत ही अप था दोस्तों, बहुत ही मार्केट में बुल रन चल रहा था, इस कारण से बहुत सारे फंड मैनेजर ने
अपना प्रॉफिट बुकिंग किया, इस कारण से टर्नओवर थोड़ा हम लोग को ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन उससे डरने वाली बात नहीं है। एक्सिस ब्लू चिप फंड एक रेप्यूटेड कंपनी का दोस्तों है और फंड कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग की बात करें दोस्तों, तो लगभग इसमें 65.15% टॉप 10 स्टॉक्स में ही इसका पोर्टफोलियो है दोस्तों। लार्ज कैप स्टॉक्स में इसने लगभग 99% इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्योंकि एक ब्लू चिप फंड है तो जनरली लार्ज कैप में ही इन्वेस्टेड करेगा। मिड कैप की बात करें तो लगभग 1%। स्मॉल कैप में इसका एक्सपोजर नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक लार्ज कैप ब्लू चिप फंड है दोस्तों, इसलिए स्मॉल कैप में इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है। और हम लोग अब सेक्टर्स की बात करेंगे तो फाइनेंशियल सेक्टर में इसका लगभग 27.73% का इन्वेस्टमेंट है, और आईटी सेक्टर में लगभग 18.41%, एनर्जी सेक्टर में लगभग 4.6%, और कंज्यूमर डायरेक्टरी में 12.33% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है दोस्तों, और हेल्थ केयर में लगभग 5.43%, और लगभग मटेरियल्स में 8.41%, और बाकी छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट और सारे सेक्टर में कर रखे हैं दोस्तों। और टॉप होल्डिंग्स की बात करें दोस्तों, तो इन्फोसिस में लगभग 10% का इन्वेस्टमेंट इसने कर रखा है, HDFC बैंक में 8.9% का, बजाज फाइनेंस में 8.67%, ICICI बैंक 7.37%। तो टॉप जो निफ्टी का कंपनी है दोस्तों, उसमें बहुत ही अच्छा एक्सपोजर है इसका। TCS में 7.19%, डीमार्ट में जो एवेन्यू सुपर मार्ट है दोस्तों राधा किशन दमानी का, उसमें 6.04% का, और कोटक महिंद्रा बैंक में 5% का, रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगभग 4.6%, और HDFC 4.47% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है दोस्तों। हम लोग रिटर्न की बात करते हैं दोस्तों, तो लास्ट 5 ईयर्स में इसने 17.66% का रिटर्न दिया है, और बीते 2 ईयर्स में 21.69% का, और 1 ईयर जो अभी बुल रन तो चल ही रहा था, तो सभी फंड अच्छा परफॉर्म किए हैं, तो 47.01% का। लेकिन पास्ट रिकॉर्ड भी इसका देखा जाए दोस्तों, तो इसने इस फंड ने हमेशा अपने कैटेगरी को बीट किया है, अपने बेंचमार्क को आसानी से बीट किया दोस्तों। तो फंड वेल मैनेज्ड है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है दोस्तों। फंड का टॉप होल्डिंग्स भी अच्छी अच्छी कंपनीज में है, निफ्टी की 50 निफ्टी 50 में, तो कोई डरने वाला बात नहीं है दोस्तों। वन पे रखा है दोस्तों हमने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का, जो कि सबका फेवरेट फंड है दोस्तों। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 11,360 करोड़ है दोस्तों। एक मल्टी कैप फंड है जो कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में इन्वेस्टमेंट करती है दोस्तों। एक्सपेंस रेशियो स्लाइटली ऑन द हायर साइड है दोस्तों, लगभग 0.89% है, जो कि हर दिन कमेगा, जैसे जैसे इसका AUM बढ़ेगा दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो भी कमते जाएगा। फंड मैनेजर सबसे जो बेहतरीन बात है दोस्तों, इसके फंड मैनेजर राजीव ठक्कर एक्सपीरियंस लगभग 20 ईयर्स का रखते हैं दोस्तों। फंड लॉन्च हुआ है दोस्तों 13 मई 2013 को। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI। नंबर ऑफ स्टॉक इसमें लगभग 25 है दोस्तों, जो कि बहुत ही कम है दोस्तों, कम्पैक्ट म्यूचुअल फंड है दोस्तों। अल्फा की बात करें तो बहुत ही शानदार है, 8.49% का इसने अपने कैटेगरी को कम्प्रिहेंसिवली बीट किया है दोस्तों, जो कि -0.68 है। बीटा की बात करें तो यह रिक्स भी बहुत ही कम लेती है दोस्तों, 0.58, और इसका कैटेगरी का है 0.82, जो कि बहुत ही शानदार है दोस्तों। शार्प रेशियो भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों, जितना शार्प रेशियो हाई होता है उतना ही वो रिस्क फ्री रिटर्न जनरेट करता है दोस्तों, तो लगभग 1.18 है, और इसका कैटेगरी 0.54 है, तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा दोस्तों। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें दोस्तों, तो वो भी स्लाइटली ऑन द लोअर साइड है, जो कि अच्छा है, 14.76 है, तो रिटर्न में भी ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है दोस्तों। टर्नओवर भी बहुत ही शानदार है, 18% अपने स्टॉक्स को ये होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ज्यादा टर्नओवर नहीं करते हैं। टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग की बात करें दोस्तों, तो उसमें 50.85% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। लार्ज कैप स्टॉक्स में इसने 70% और मिड कैप स्टॉक में 23.31% का इन्वेस्टमेंट है। स्मॉल कैप स्टॉक्स में इसने लगभग 7.23% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे इसने मेजर सेक्टर्स किसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो फाइनेंशियल्स में लगभग 22.64%, आईटी सेक्टर में 16.11%, फॉरेन सिक्योरिटीज, एक खास बात इसका है दोस्तों कि ये फॉरेन सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्टमेंट करती है, जो कि अमेरिका का टॉप होल्डिंग्स कंपनीज है, टेक कंपनीज है, उसमें ये बहुत ही अच्छा 30% इन्वेस्टमेंट करता है दोस्तों। एक इंटरनेशनल फंड भी इसको मान सकते हैं हम लोग। कंज्यूमर डायरेक्टरी में 7.41%, हेल्थ केयर में 4.32%, और फार्मा में 3.15%, तो एक बहुत ही अच्छा ब्लेंड है दोस्तों सेक्टर्स का, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही हेल्प करेगा। अब हम लोग म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग्स की बात करते हैं दोस्तों, तो अल्फाबेट इंक जो कि गूगल है दोस्तों, इसमें 8.44% का एलोकेशन कर रखा है। बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी, देखिए ये बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों, क्योंकि बजाज होल्डिंग्स सभी का पेरेंट कंपनी है दोस्तों, बजाज फाइनेंस
बजाज फिनसर्व और बजाज ऑटो, तीनों में इसका स्टेक है दोस्तों। देखिए कितना दिमाग से इन्वेस्टमेंट इसने कर रखा है, क्योंकि बजाज होल्डिंग्स तीनों में इनडायरेक्टली शेयर होल्डर है दोस्तों। इस कारण से इसने बजाज होल्डिंग्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। आईटीसी में इसका 7.76% का स्टेक है, माइक्रोसॉफ्ट में 7.43%, फेसबुक में 6.18%, अमेजोन में 6.00%, परसिस्टेंट सिस्टम में 5.99%, SCL में 5.04%, और जो कि CDSL बहुत ही फेवरेट शेयर है आजकल, 4.18% दोस्तों। रिटर्न की बात करें दोस्तों तो ये एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है दोस्तों। लास्ट 5 ईयर्स में लगभग 22% का रिटर्न दिया दोस्तों, 2 ईयर्स में लगभग 36% का, और 1 ईयर में 62% का, जो कि बहुत ही शानदार है दोस्तों। और इसने अपने बेंचमार्क को कंप्रिहेंसिवली बीट किया है हर बार। तो ये फंड बहुत ही अच्छा मैनेज है, वेल मैनेज है, फंड मैनेजर अच्छे हैं, फंड का एक रेपुटेशन है दोस्तों। तो आप लोग पराग पारिक के बारे में भी विचार कर सकते हैं। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए जो सजेशंस है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।